चाय वाली के बाद अब मूंगफली वाली क्लास 12 की ये स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना न केवल कठिन है बल्कि महंगा भी है। बहुत से लोगों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करना आसान नहीं होता है, उन्हें जी जान लगाकर काम करना पड़ता है। हालांकि केरल की 12वीं की ये छात्रा अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हर दिन कड़ी मेहनत कर रही है। केरल के चेरथला की विनीशा स्कूल में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और साथ ही अपना पेट भरने की कोशिश भी कर रही है। कक्षा 12 की छात्रा अपने स्कूल के ठीक बाहर मूंगफली बेचती है जब उसकी कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। विनीशा स्कूल के बाद मूंगफली की अपनी गाड़ी बाहर ले जाती है और रात 8 बजे तक मूंगफली बेचती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे स्कूल छोड़ना ना पड़े। वहां एक गर्म तवे पर मूंगफली को नमक में मथती है और अपनी गर्म भुनी हुई मूंगफली से ग्राहकों को आकर्षित करती है। बहन की शादी के बाद परिवार पर भारी होने के बाद विनीशा ने मूंगफली बेचना शुरू किया। उसके पिता एक मजदूर हैं, उसकी माँ भी मूंगफली बेचने वाली है। मूंगफली बेचते समय घंटों खड़े रहने से उसकी माँ के पैर में दर्द होता था। तभी विनीशा ने परिवार के लिए एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए खुद आगे आई और मूंगफली बेचने का फैसला किया। बता दें कि विनीशा पिछले 4 साल से अपने माता पिता की मदद कर रही हैं। एशियन नेट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में विनीशा ने कहा कि वह शाम 4:30 बजे काम शुरू करती हैं और रात 8 बजे खत्म होता है। मूंगफली बेचने के बाद वह घर जाकर पढ़ाई करती हैं। उसने समझाया कि कैसे राहगीर उसका मजाक उड़ाते हैं जबकि वह एक ईमानदारी से काम करने की पूरी कोशिश करती है। उनका दावा है कि कुछ लोग उन्हें पांडी और पंडी कपंडी कहते हैं, फिर भी वह अपनी आय अर्जित करने और अनुभव से सीखने में गर्व महसूस करती हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए हापुड़ हलचल।